बस आज सुबह का समय हो गया और हम लोग लॉज, वहाँ पीछे में प्रीति उल्टा साथ दिखता होगा लेकिन प्रीति लॉज है पीछे में। और ये रहा इस समय का अवस्था, सूरज उठने वाला है वो ओल्ड दीघा के समय में। यहाँ पर भीड़ का कंडीशन भी एकदम ठीक है, फिर भी कहूँगा घूमने आने का दी ओल्ड दीघा ठीक है, सस्ता है। न्यू दीघा में तो सुबह सुबह हम लोगों का वहाँ के टोटो वाला लोग का झमेला था, उसकी समस्या सॉल्व हुआ। झमेला इस बात का था कि हम लोग जब पहुँचे थे तो पता चला, पहले तो लोगों ने ऑफ़र किया कि भैया 5 रुपये करके हम लोग आपसे लेंगे प्रति व्यक्ति किराया और आपको सी बीच के पास पहुंचा देंगे लॉज के पास में, या फिर आपको किसी भी जगह हम लोग आपको खुजवा भी देंगे, ढूंढवा देंगे और उनके पास उतार देंगे, उनका उनका जो कमीशन वगैरह है वो लोग उनसे समझेगा, हम लोग से 5 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लेगा। फिर भी हम जो है उन लोगों का भरोसा नहीं करके अपना पूरा फैमिली को बैठा कर हम लोग चले आए एक बस स्टैंड के पास में, निधिघा बस स्टैंड के पास में बैठाए थे हम लोगों ने। और उसके बाद पता चला क्या कि वो लोग सी बीच के पास ले कर तो गए लेकिन जिस लॉज में लेके जा रहे थे बहुत ज़्यादा दाम पड़ रहा था। हम लोग भैया बजट का बाहर है, काम करो तुम पैसा लो और हम लोग अपना खोज लेंगे। जब मैंने उसको फाड़ा दिया 10 रुपया दो व्यक्ति के हिसाब से, क्योंकि दो व्यक्ति हम लोग टोटो पकड़ा था, तो पता चला कि वो तब पता चला क्या कि वो लोग जो है वो पैसा नहीं लेगा। पैसा क्यों नहीं लेगा, तो उसको 10 रुपया अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है भैया लो भाई 20 रुपया लो, फिर मैंने 30 रुपया भी दिया, नहीं लिया। लास्ट में बोला भैया, बोला वो खुद ही बोलने लगा छोड़ो जाने दो हमको पैसा नहीं चाहिए आप जाओ। हम लोग बोले भैया 2 बार 3 बार समझाने के बाद भी लेकिन नहीं माना तो चला गया। हम लोग भी चले आए फिर से उसका अपना लॉज, हमने खुद ढूंढना शुरू किया। जब अपना लॉज ढूंढने लगे वहाँ पर लॉज नहीं मिला न्यू दीघा में, तो उसके बाद जाकर जो है वो लोग हम लोग ओल्ड दीघा की तरफ सोचे कि बढ़ा जाए। लेकिन फिर देखें क्या कि ओल्ड दीघा के पास में वो हम लोग पीछे पीछे आ रहा था। पीछे पीछे आने के बाद क्या किया हो, बोला उसको सुनो भाई क्या हुआ बात, तो भाई हम लोग का जो है आप हम लोग से नहीं खुजवा रहे। अच्छा ठीक है भाई तुमसे नहीं खुजाएंगे, तुम्हें काम कर हमको ओल्ड दीघा पहुँचा दे, बाकी का चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। ओल्ड दीघा काली मंदिर के पास लाकर हम लोगों ने छोड़ दिया उसको। छोड़ने के बाद हम अपना एक लॉज में घुसे, वहाँ से बात करने जैसे निकले वो व्यक्ति वहाँ से गायब, वो टोटो वाला गायब होने के बाद फिर वो क्या किया, जहाँ पर न्यू दीघा में बस स्टैंड के पास जहाँ हम लोगों ने रखा था उन लोगों को अपना परिवार को फैमिली को, अच्छे खासे लोग थे महिलाएं थी, उसमें जो है वहाँ पर वाले उन लोगों ने हुटिंग शुरू कर दिया क्या कि भिकमंगा हम लोग, हमको जो है वहाँ पर 2 घंटा घुमाया, घुमा कर छोड़ दिया, भाग के चलाया वो लोग, हम लोग इसी तरह से छोड़ कर भाग गया, पैसा नहीं दिया, हमारा 200 रुपया चार्ज होता है, 200 रुपया दो हमको। हमारे लोगों ने हमको फ़ोन किया जब तो हम पूछे कि भाई तुमको तो यहाँ पर बोले थे रुकने के लिए, तुम तो भाग के चले आए, लेकिन सर काम करो तुम उन लोगों को लेकर चले आओ यहाँ पर, होटल मेरा बात हो गया, हम तुमको पैसा दे दे रहा। इस पर भी जो है वो मान नहीं रहा, बोला कि हम टोटो पकड़वा दे रहे हैं, हम लेके नहीं जाएंगे, हमारा पैसा यहीं पर पेमेंट करो। अब यहाँ से लॉज ओल्ड दीघा से बुक करने के बाद हम यहाँ खुद कन्फर्म मैंने कन्फ्यूज हो गए कि करें क्या, ये तो लोगों ने हमको बताया गया जैसा कि सबको घेर कर उनको जो है परेशान कर रहा है। तब फिर जो है हम यहाँ से दूसरा ऑटो पकड़ के पहुँचे वहाँ पर, एक ऑटो पकड़ के पहुँचे, ऑटो वाले ने 10 रुपये ही लिया था। पहुँचे वहाँ पर, वहाँ पहुँच कर जब गए तब वो कह रहा है कि तुम हमको छोड़ कर भाग आए हो। अच्छा अब सूरज उगने का समय हो चुका है, सूरज अब उगने जा रहा है। बुराई की बात नहीं है लेकिन न्यू दीघा में इस ढंग का जो घटना है ये ठीक नहीं है, इस वजह से कस्टमर लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। टोटो या ऑटो का कहिए इस ढंग का काम करना उन लोगों का अच्छा बात नहीं है, विशेषकर तो ऑटो वाला के संग मेरा ये घटना घटा, अच्छी चीज़ नहीं है। कस्टमर यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं, अगर इस तरह से करेंगे तो फिर वो लोग उस जगह को पसंद नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, और जो कि ठीक नहीं है यहाँ के लिए। तो न्यू दीघा में ये समस्या है, उससे बेहतर ओल्ड दीघा में मुझको लगा। यहाँ पर ओल्ड दीघा उतरते ही आपका हर कुछ अवेलेबल है, पास में ही सुविधा है। तो न्यू दीघा के पास में जो लोग इस ढंग से कर रहे हैं
उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस ढंग का चीज़ ना करें। आपकी रोजी रोटी चलती है, बहुतों की रोजी रोटी वहाँ पर चल रही है, अगर इस ढंग से कस्टमरों को या टूरिस्ट को परेशान करेंगे तो वो लोग आना बंद कर देंगे वहाँ पर, आप ही लोगों का नुकसान है। बेहतर होगा कि आने वाले समय में आप लोग इस ढंग का घटना बंद करें। आप लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग चाहते तो हम लोग कर सकते थे उस घटना का, जिस ढंग से वो लोग हुटिंग ग्रुप हुटिंग कर रहे थे, तो वो इसलिए नहीं किए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। वो अपराधीकरण एक तरह से जो है थाना पुलिस ये सब चीज़ों को लपेटना, लोग घूमने आए हैं, मज़ा करने आए हैं, फैमिली इंजॉय करने के लिए आए हैं, लोग इंजॉय करें, ये ठीक नहीं होता, इसलिए छोड़ दिया गया। उस वहाँ पर जो है टोटो वालों वहाँ पर ऑटो वालों ने, हम भी जब उसको बोल रहे थे घूम घेर कर, वो लोग बोल रहे थे क्या क्यों आप छोड़ कर चले गए, इसको बताया भैया छोड़ कर नहीं गए हम लोग, जो है वो आपका ये तो खुद ही चलाया, इसको पैसा दे रहे थे। यहाँ तक कि एक बात था कि वो 200 रुपये मांग रहा था, हम उसको 100 रुपये दे रहे थे, 100 रुपये भी वो नहीं लिया, कहा कि जाओ हम तुमको दान करते हैं। ठीक है भैया दान करते हैं तो सो तो दान हो गया, लेकिन इस ढंग का घटना नहीं करना चाहिए। पैसा दे भी रहे तो लिया भी नहीं, और ये अच्छी बात नहीं है, इससे लोग परेशान होंगे, वहाँ के सब निधिका में दिक्कत होगा। और एक चीज़ है जो घटना अभी हमको पता चला है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो टॉयलेट वगैरह जो बना हुआ है टॉयलेट रूम, उसमें तकरीबन आपका 10 रुपया लिया जा रहा है लैट्रिन का, बाथरूम का 5 रुपया, और नहाने का जो है आपका तकरीबन 10 रुपया। काफ़ी महंगा है, थोड़ा सस्ता हो 5 रुपये तक हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर टूरिस्ट को सस्ता जहाँ जहाँ जितना मिलेगा वहाँ पर उतने ही जाएंगे, साफ़ सुथरा उतना वगैरह है नहीं जैसा कहा जा रहा है। टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, देखिए टॉयलेट है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ों को ध्यान दे, और इसमें थोड़ा सुविधा होने से लोग यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ेंगे। फिर भी मेरे से पहले से ही सब लोग यहाँ बढ़े हुए हैं, आने का ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा ये चीज़ है, आम आदमी का बजट के बाहर चला जाएगा। फैमिली में 10 आदमी है तो 100 रुपये का लैट्रिन बाथरूम ठीक नहीं लगता है, फिर भी देखिए जैसा लगे। अब सूरज उग चुका है, सुबह का मेरा ब्लॉगिंग भी कंप्लीट हो चुका है, ये कल रात को कर सकता था लेकिन अच्छा नहीं लगा था, कल हम लोगों ने इन्जॉय किया। अब सूरज के साथ में तस्वीर मेरी कंप्लीट।